गाइज, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, बीपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 26/23, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या 26/23, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, दिनांक 24 से 26 तक दो बैठकों, मतलब बैठकों प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि 24, 25 और 26, और प्रथम पाली द्वितीय पाली परीक्षा जो है दो पाली में होगी। अब देख लीजिए, प्रथम पाली जो है 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्यान्ह तक, और द्वितीय पाली 3:30 बजे अपराह्न से 5:30 बजे अपराह्न तक। प्रथम पाली में पुरुष के लिए फिक्स किया गया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थी के लिए, जिसमें कि 24 तारीख को 1 से 5 तक के समान अध्ययन का पुरुष अभ्यर्थी का होगा, और 24 तारीख को ही 1 से 5 क्लास के लिए महिला अभ्यर्थी का सेकेंड शिफ्ट में होगा। फिर 25 तारीख को भाषा का होगा, 10 बजे से 12 बजे तक पुरुष अभ्यर्थी का पेपर वन जो है और सेकेंड पाली में हो जाएगा महिलाओं के लिए भाषा का। फिर 26 तारीख को सामान्य अध्ययन एवं विषय 9 से 10 तक के लिए, फिर सामान्य सेकेंड पाली में हो जाएगा सामान्य अध्ययन एवं विषय 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/23 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB का जो कि होना चाहिए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें कोड सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा। मतलब फर्स्ट में जो ये पॉइंट है इसमें क्या है, सेंटर क्लियर नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, बट कोड दिया हुआ रहेगा। सभी अभ्यर्थी प्रथम पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समय हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब एडमिट कार्ड दो ले जाना, एक जो है वहाँ पे सेंटर पे दे देना। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21/8/23 से उपलब्ध की कराई जाएगी। 21 तारीख से उसका डिटेल जानकारी दिया जाएगा परीक्षा केंद्र कोड के बारे में। दिनांक 10/8 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात दिनांक 20 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओएमआर सीट को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ना होगा। मतलब जब तक ओएमआर सील नहीं हो जाएगा तब तक कैंडिडेट जो है सेंटर को नहीं छोड़ सकता है। तो ये बीपीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ये बीपीएससी का है तो सही ही होगा, तो इसके अनुसार सब आदमी जो भी आएगा डाउनलोड किया जाएगा उसके बाद एडमिट कार्ड।